नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सीरीज को। पप्पू यादव आज मसौढ़ी पहुंचे थे पुलवामा हमले में, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। बिहार के मसौढ़ी के संजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंचे थे, उनके परिवार वालों को सांत्वना दी है, साथ साथ 1,00,000 रुपये मदद भी की। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बेटे की मेडिकल की पढ़ाई का जो कुछ भी खर्च होगा वो पप्पू यादव देखेंगे, साथ साथ उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, क्या कुछ खर्चे होंगे, ये भी पप्पू यादव देखेंगे। उसके बाद बातचीत करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा आप खुद सुनिएगा। लादेन के साथ हम वैसा एक्शन चाहते हैं। सर नरेंद्र मोदी तो वही, मैं मजहूर असद के साथ एक्शन चाहता हूँ। सर नरेंद्र मोदी तो कहे थे। दूसरा भ्रष्ट नेता के मरने पर राष्ट्रीय शोक, और 42 के मरने पर राष्ट्रीय शोक नहीं। ये कभी रेल का उद्घाटन करेंगे, कभी बरौनी में 3 तीसरे बनाएंगे, कौन गंभीर है भाई? और क्या कारण है कि नैतिकता आज नहीं दिख रही है? सर नरेंद्र मोदी तो बोले थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो 1 के बदले 10 काट लाऊंगा। भैया आप पूछिए किसी से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल सीधा है, मेरा सीधा सवाल है कि प्लेन से क्यों नहीं, इंटेलिजेंस कमजोर क्यों, अमेरिका के बाद हमारी सरकार जगी क्यों नहीं? इस हमले में समूह में भारत के भीतर कौन लोग हैं, जिसने इसमें सहयोग किया है उसको खत्म करिए। सर पहले चुनाव और इसको राजनीति से अलग रखिए। तीसरी चीज, चुनाव हो या ना हो, थान में जाए तय करिए। चुनाव वही लोग लड़े जिसके परिवार में, सगे परिवार में आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, ये लोग जिसके परिवार में हो, एमएलए एमपीसी के परिवार से हो, जो बहुत ही लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं ना। पहले ये जो कल हमसे पूछा भागलपुर में उनकी माँ और उनके उनका बच्चा कि गरीब का ही बेटा क्यों मरता है सर, अमीर का क्यों नहीं, नेता पर हमला क्यों नहीं होता है? अभी उग्रवाद में दरोगा मारा गया, जब भी कोई सिपाही मरता है वो गरीब मरता है, आम आदमी मरते हैं, ये पूंजीपति और नेता क्यों नहीं मरता? कल हमसे वो पूछ रहे थे, और ये नेता लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक भी एमपी एमएलए वहां का मंत्री, ये पहली बार, इसके पहले लोग ये जानना चाहता है कि जितना सीआरपी बीएसएफ और आर्मी मरे हैं उनका परिवार आज तक रोड पर क्यों भौंक रहा है, क्यों उनके परिवार को उरी के मरने के बाद आज तक किसी परिवार को पेट्रोल पंप नहीं मिला? आपने सुना किस तरीके से ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन पर कार्रवाई की गई थी उसी तरीके से जरूरत है जितने आतंकी हैं उन पर कार्रवाई करने की। ये भी कटाक्ष किया गया है कि एक तरफ हमारे जवान शहीद हुए हैं, दूसरी ओर रेलवेज को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जितने रेल के परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है केंद्र सरकार पर। जिस तरीके से पप्पू यादव के जो तेवर हैं कड़े होते जा रहे हैं, आने वाले चुनाव में क्या कुछ वह आग उगलेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ, उससे भी लाइव स्ट्रीम जरूर आप रूबरू कराता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। सबसे पहले धन्यवाद।